सुप्रभात, मैं संजय गहतोड़ी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9th में भूगोल विषय के अंतर्गत हम पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत हमने इससे पूर्व की वीडियो में पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक जो है वह है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो पूर्वी घाट के बारे में हमने ये कहा था कि पूरब में ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो एक पर्वत श्रृंखला है उसे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ऐसे ही पश्चिम में यहाँ पर गुजरात के दक्षिण से लेकर के केरल तक जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ गुजरात के दक्षिण तट से दक्षिणी हिस्से से लेकर नीचे ये केरल तक का जो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो है, जो पर्वत श्रृंखला है इसमें जो पर्वत पहाड़ियों की जो ऊंचाई होगी वह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की पहाड़ की चोटियों से ज्यादा होती है। हमने पूर्वी घाट में पढ़ा था कि औसत ऊंचाई 600 मीटर है करके, तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से औसत ऊंचाई इसकी होगी। औसत ऊंचाई की हम जब बात करेंगे तो औसत ऊंचाई है इसकी 900 मीटर से लेकर के 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट पर्वत की। और ये जो पर्वत श्रृंखला है यह सतत एक श्रृंखला के रूप में, जैसे पूर्वी घाट को हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था, वह सतत नहीं थी, उसमें क्या था, काट छाट था। काट छाट होने की वजह क्या थी, नदियां समुद्र में मिलने के लिए जब आती थी तो वहां यहां पर वह डेल्टा का निर्माण करती थी और इसको काट छांट देती थी। जबकि पश्चिमी घाट में क्या है, यहाँ का जो ढाल है, ढाल यहाँ का पूरब की तरफ है, इसलिए जो नदियां है वो सब कहाँ जाती है, पूरब की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो पहाड़ होगा उसकी जो चोटी होंगी वह इसकी अपेक्षा ऊंची है और ढाल भी पूर्व की तरफ है, तो पश्चिम की जो चोटियां हैं यहाँ पर पर्वत श्रृंखला में बहुत कम नदियां होती है पूर्वी पर्वत श्रृंखला की अपेक्षा, जो अपना जल इस तरफ गिराती हैं अरब सागर में। कुछ नदियां हैं जिसमें नर्मदा ताप्ती बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, शेष अधिकांश नदियां पूर्वी घाट की ही तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला होगी ये क्या है, सतत है, कठोर संरचना भी है यह, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है पश्चिमी घाट में यदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, इस तरफ मैदान है, ठीक, इस तरफ तटीय मैदान है, इस तरफ पठारी भाग हो गया, तो अगर पश्चिम से पूर्व में जाना है या पूर्व से पश्चिम में जाना है तो पूर्व से पश्चिम में जाने के लिए यहाँ पर क्या है, दर्रे हैं, दर्रों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है पूर्व से पश्चिम में। जैसे यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से अगर इस तरफ जाना है महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में तो वहां पर दर्रे बने हुए होते हैं, उनके माध्यम से जा सकते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, तो ये क्या है, दर्रे हैं और इन्हीं दर्रों की सहायता से ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसमें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाना है, यहाँ से इधर जाना है या यहाँ से यहाँ आना है तो इन्हीं दर्रों की सहायता से जाया जाता है। तो इसमें से पालघाट दर्रा जो है वह केरल में आ गया और थालघाट भोरघाट दर्रा जो है वह महाराष्ट्र में आ जाता है। तो इस तरह से यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अनाई मुनि या अन्नामलाई भी आप कहीं देखने को मिल सकता है, अनाई मुनि भी देखने को मिल
सकता है। अनाई नदी यहाँ की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 3695 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह अनाई नदी जिसकी ऊंचाई है 3695 मीटर। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से हम यहाँ पर ऊंचाई बता रहे हैं पर्वत शिखरों की, वह हिमालय की जो चोटियां हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है वह, इस चीज को आप देख पा रहे हैं। अब साथ साथ हम पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों को साथ साथ दोनों के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों के बारे में यहाँ पर अंतर भी स्पष्ट हो जा रहा है। कई बार परीक्षा में आता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में के बीच क्या अंतर है, उस अंतर को भी हम साथ साथ बता रहे हैं। जैसे हमने बताया पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है सतत नहीं है, इसमें काट छांट है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सतत है। वजह क्या है, उसकी ढाल जो है पूर्व की तरफ है, इसीलिए ये वाली जो श्रृंखला है सतत बनी हुई है जबकि इसमें काट छांट हो गई है। दूसरी बात हमने क्या कहा कि ये जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, इसमें यदि हमें पूर्व से अर्थात इस वाले हिस्से से पठारी हिस्से से यदि तटीय मैदान की तरफ जाना है तो उसके लिए क्या है, दर्रे बने हुए हैं, उन दर्रों की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को मतलब इस पर्वत श्रृंखला को पार कर सकते हैं, इस चीज को हमने यहाँ पर देखा। और अंतर क्या है, जो नदियां हैं ये पूर्वी घाट की ओर जो नदियां बहती हैं और इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं यहाँ पर वो, तो ये जो नदियां हैं यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले पार्ट में भी हम हालांकि इसको और पढ़ेंगे विस्तृत। और ऐसे ही जो इस तरफ बंगाल की ये अरब सागर में जो नदियां अपना जल गिराती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती बड़ी नदियां हैं, ऐसी जो नदियां यहाँ पर जल गिराती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि यह ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, सीधे समुद्र में जाती है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, जलप्रपात, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई से बिल्कुल नीचे गिरते हैं वह, तो जलप्रपातों का निर्माण होता है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। ऐसे ही अब चूंकि यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जब मानसूनी वर्षा होती है, मानसून आया जब या हिंद महासागर से आया, इसकी एक शाखा ये अरब सागर वाली हो गई, दूसरी शाखा हो गई बंगाल की खाड़ी वाली। जो ये अरब सागर से यहाँ से जो ये मानसूनी हवाएं उठती हैं ये इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से टकरा करके वर्षा कर देती है, तो इसे यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला होने की वजह से इन क्षेत्रों पर जो है वह पर्वती वर्षा भी यहाँ पर होती है, क्योंकि मानसून यहाँ से उठेगा, इनसे टकराएगा और इस वाले क्षेत्र पर वर्षा करेगा। ऐसे ऐसे मानसून आया, अब उसको यहाँ से टकराएगा एक पर्वत श्रृंखला से और यहाँ पर वह बरसात कर देगा, जैसे बॉम्बे आदि जो ये शहर हैं यहाँ पर इस तरह से बरसात हो जाती है। दूसरी बात, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला एक जगह ही मिलते हैं, तो वहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर एक गांठ का निर्माण होता है। यहाँ पर यहाँ से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला आई, यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला आई, इस स्थान पर जहाँ पर ये मिलते हैं यहाँ पर एक गांठ का निर्माण होता है, इस वाले स्थान पर एक गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी गांठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी घाट आया, यहाँ पर पश्चिमी घाट आया, एक गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक नीलगिरी के नाम से इसको हम जानते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से हम इसको जानते हैं। और यह तीन राज्यों में है, कहाँ कहाँ पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला एक गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है यदि पूछा जाता है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तीनों राज्यों में विस्तृत हैं। अब जो कि यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं आपस में, तो गांठ का निर्माण होता है बहुत बड़े क्षेत्र पर, ये पर्वत श्रृंखला है तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और इसी नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में या केरल की तरफ को कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची बहुत ज्यादा होती होगी वहां, इसलिए उसका नाम इलायची की पहाड़ी भी रखा गया है। तो ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये
पश्चिमी घाट के बारे में हो गया, ये पूर्वी घाट के बारे में हो गया, और ये दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अगला टॉपिक हमारा अब रहेगा तटीय मैदान।